माता जी लोग ए, तत, ए सारे विचित्रम तरह तरह के सह समेत जीवकाल सारे जीवों की आयु स्वभाव स्वभाव कर्माशय कर्म तथा भौतिक भोग इच्छा वासना लिंग भेदम अनुसार शरीरों के भेद, भेद। सुन अपने पुत्र के शरीर में विक्षा देख करके विदारिता से खुले भेद। मुख के भीतर ब्रजम ब्रज धाम को सह आत्मनम, आत्मनम अपने सहेत अवाप अवाक रह गई हत प्रत प्रभ रह गई शंका शंका तथा आश्चर्य से युक्त तो ऊपर का भी श्लोक मैं पढ़ लेता हूँ तब अनुवाद पढ़ेंगे सातत दृश्य विश्वम जगत दिशा अस्थानुचम खिश भूलो भूगोल स्वायमग्नि उतारकम ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वायेय मनोमात्रा गुणास्त्रया अनुवाद और तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद की जाए जब कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना पूरा मुंह खोला तो उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर सभी चर अचर प्राणी बाह्य आकाश सभी दिशाएं पर्वत द्वीप समुद्र पृथ्वी तल बहती हवा अग्नि चंद्रमा तथा तारे देखे उन्होंने ग्रह जल आकाश वायु प्रकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी उन्होंने इंद्रियां, मन तन मात्राएं तीनों गुण सतो रजो तथा तमो भी देखे उन्होंने जीवों की आयु प्राकृतिक स्वभाव तथा कर्मफल देखे उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे विराट जगत के इन विभिन्न विविध पक्षों के साथ ही स्वयं को तथा वृंदावन धाम को देखकर वे अपने पुत्र के स्वभाव से सशंकित तथा भयभीत हो उठी तात्पर्य स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों पर स्थित सारे विराट जगत उनकी उत्तेजना के साधन तीनों गुण जीव सृष्टि पालन संहार तो भगवान की बहिरंगा शक्ति से चल रही सारी क्रियाएं, ये सभी भगवान गोविंद में से उद्भुत हैं सारी वस्तुएं उनके नियंत्रण में हैं इसकी पुष्टि गीता में नौ दस में होती है म्याधक क्षेण प्रकृति सुयते सौ चराचरम भौतिक प्रकृति की सारी वस्तुएं उनके नियंत्रण में हैं क्योंकि ये सारी अभिव्यक्तियाँ गोविंद से उद्भूत है अतएव वे सब की सब गोविंद के मुख में दिख सकती है आश्चर्य की बात तो यह है कि माता यशोदा गहन मातृस्नेह के कारण भयभीत थी उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनके पुत्र के मुख में ऐसी वस्तुएं दिख सकती है फिर भी उन्होंने देखा और इसलिए वे भय तथा आश्चर्य से हक्की बक्की रह गई ओम ज्ञानतिमीरांध्य ज्ञान सलाखय चक्षुर्जन मिलितम देना तस्मय श्री गुरवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम राम, राम। भगवान अपने भक्तों को बहुत स्नेह करते हैं जो जिनका जैसा जैसा संबंध है भगवान से भगवान के स्नेह के वे वैसे ही पात्र होते हैं ऐसे भी भगवान कॉमनली सबके लिए कहे हैं ये यथा माम प्रबदनते भजाम हम ये तो सामान्य लोगों के लिए है लेकिन भक्तों के लिए जो सेल्फ रियलाइज हो गए हैं जो मुक्ति प्रदत्त हैं मुक्ति को प्राप्त कर लिए हैं वे अपने संबंध के अनुसार चाहे कोई शांत भाव में हो दास्य भाव में हो साख्य भाव में हो वात्सल्य भाव में हो और माधुर्य भाव में हो किसी भी भाव में हो भगवान का जो संबंध है उन लोगों का उसी भाव के अनुसार वे प्राप्त करते हैं माता जसोदा का जो संबंध कृष्ण से है वह वा संबंध वाशल्यमयी संबंध है माता देवकी का संबंध कुंती का संबंध इन लोगों का संबंध भी जो है वह वा, वाशल्यमयी है लेकिन वात्सल्य भी दो प्रकार का होता है एक होता है ऐश्वर्जमयी और एक होता है माधुर्यमयी ब्रज के जो ब्रजवासी हैं उन लोगों का कृष्ण से जो संबंध है वह माधुर्यमयी संबंध है यदा कदा ईश्वर्य दिखाई पड़ता है जैसे इस प्रसंग में ईश्वर्ज का प्रकाशन तब होता है जब माधुर्य में किसी प्रकार का शंका उत्पन्न हो जाए जै ही माधुर्य में थोड़ा शंका उत्पन्न होगा ईश्वर्य अपने आप प्रकाशित हो जाएगा माता जशोदा में शंका उत्पन्न हुआ कि कृष्ण मिट्टी खाया है और थोड़ा सा शंका शंका ऐसे भी खराब होता है संशयात्मा विनस्थिति शंका हुआ तो गड़ हो गया हालांकि शंका करना कोई खराब नहीं है शंका अच्छा ही है बुद्धि के कई एक विभाग हैं उन विभागों में एक विभाग है शंका करना डाउट शंका करना चाहिए लेकिन माधुर्य में जब शंका होती है तो ऐश्वर्य अपने आप आ जाता है प्रकट हो जाता है तो भगवान के साथ संबंध को स्थापित करने के लिए पहले हम लोगों को स्वयं को जानना बहुत जरूरी है हम लोगों का भगवान संबंध है और मोटा मोटी सब लोग कहते हैं एक ही बात जीवर स्वरूप है कृष्ण के दास हम कृष्ण के दास हैं यही संबंध है लेकिन अपने को हम जाने और तब संबंध स्थापित करें तो संबंध प्रकाशित होता है जिस भाव में भी हो तो प्रथम चीज है वह अपने को जानना इसलिए वेदांत सूत्र कहता है अथातु ब्रह्म जिज्ञासा अपने को हम जानने का प्रयास करें हम लोग अपना परिचय किसी को कैसे देते हैं तो मुख्य करके शरीर से संबंध रख करके देते हैं अपना परिचय नहीं देते हैं क्योंकि हम जानते ही नहीं अपने को एक बार कालीदास का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा तो एक बार कालीदास आ रहे थे गर्मी का दिन था उन्हें बहुत प्यास लगा था तो एक कुआं था और एक स्त्री पानी भर रही थी तो पानी की इच्छा से उस स्त्री के पास गए पानी मांगने के लिए देखिए जब भूख लगता है और प्यास लगता है तो पानी कहाँ से है कैसा है वो बोतल का पानी है मिनरल वाटर है कि गटर का पानी है पता नहीं चलता जब प्यास लगता है खूब प्यास लगा है तड़फ रहे हैं पानी के बिना तो कोई पानी हम पी लेते हैं पहले ज़माने में लोग पानी पीते थे या खाते थे तो जान कर के कि भाई किसके हाथ से पानी पी रहा हूँ पहले मुसलमान के हाथ से कोई पानी नहीं पीता था खाता नहीं था हिंदुओं में भी जानना चाहते थे कि वे किस गोत्र का है क्या है तो कालिदास कुछ पूछे उछे नहीं प्यास लगा था पानी पी लिए तब उस स्त्री ने पूछा उनसे कि आप कौन हो मुझसे पूछे भी नहीं और पानी पी लिए तो आप कौन हो कालिदास सोचे कि मैं तो बड़ा विद्वान हूं ये स्त्री है इसको मैं अपना परिचय कैसे दू दूंगा भी तो ये समझेगी कि नहीं समझेगी तो कालिदास ने कहा कि मैं एक पथिक हूं मैं एक ट्रेवलर हूं तो उस स्त्री ने कहा कि संसार में दो ही ट्रेवलर हैं एक हैं सूर्य और एक हैं चंद्रमा दो ही पथिक हैं दो ही ट्रेवलर हैं हम लोग तो उनके छत्र छाया में ट्रेवलिंग करते रहते हैं समय में तो कालिदास समझे नहीं कि मैं उत्तर क्या दूं। तो फिर उन्होंने फिर पूछी कि आप आखिर हैं कौन तो उन्होंने कहा कि मैं एक सहनशील व्यक्ति हूं मुझे प्यास लगा था मैं पूछा भी नहीं पानी पी लिया सहन करता हूं टोलरेंस तो कालिदास ने कहा कि संसार में दो ही प्रकार के लोग हैं दो ही टोलरेंस एक पृथ्वी और एक वृक्ष पृथ्वी सब कुछ टोलरेट करती है और वैसे ही वृक्ष पर कितना ही पत्थर मारो कुछ भी करो वृक्ष टॉयलेट करते हैं कोई काट नहीं आता है तब तो छाया वृक्ष नहीं हटाते हैं फिर भी नहीं पूछे क्या अके हो कौन बताओ आपका परिचय क्या है तो कालीदास कहते हैं कि मैं चंचल मन वाला हूं चंचल हूं तो स्त्री ने कहा कि संसार में दो ही चंचल हैं एक जवानी और दूसरा लक्ष्मी दो टिकते नहीं हैं जवानी टिकती नहीं है और लक्ष्मी और कालिदास के पास कोई उत्तर नहीं था फिर पूछी कि आप कौन हैं? तो कालिदास ने कहा कि मैं मूर्ख हूं थक गए अब क्या करें भाई मूर्ख हूं मैं कुछ नहीं जानता हूं तो स्त्री ने कहा कि संसार में दो ही मूर्ख होते हैं एक प्रशंसा करने वाला और एक प्रशंसा कराने वाला प्रशंसा कराने वाला हम लोग चाहते हैं वी आल वॉन्ट नेम फेम एंड ग्लोरिज हमको चाहिए दो तो लोग भाड़े के टट्टू भी हम हायर कर लेते हैं हमारा थोड़ा गुणगान करो प्रशंसा करो तो एक मूर्ख है प्रशंसा कराने वाला और एक मूर्ख है प्रशंसा करने वाला पैसा लेकर करते हैं आजकल तो कहना ही गया है और बेचारे कालिदास के पास कोई उत्तर नहीं रह गया था कालिदास बहुत महान कवि थे लेकिन वो समझ गए अपने स्थिति को मैं हूं कौन तब तो उनके चरणों में पड़े और तब तो अपने स्वरूप में आई फिर भी उन्होंने पूछा कि आप हो कौन वो जानना चाहती थी माता सरस्वती थी वो जानना चाहते कि आप है कौन तो जब तक से हम अपने को नहीं जानेंगे जैसे कि भगवान चेतन महाप्रभु से सनातन गोस्वामी पूछे आमी के किने अमार जाए तापत्र यहाँ नहीं जानी के मन हित है मैं कौन हूं जब तक से हम अपने को नहीं जानेंगे तो भगवान से क्या संबंध है कैसे जान सकते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना इसीलिए हुई है अपने को जानने के लिए जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास ये तो सेकेंड है लेकिन अपने को जानने के लिए कि मैं कौन हूं मैं देह नहीं हूं मैं आत्मा हूं और प्रभुपाद जी इसी बात को कूट कूट करके बताए हैं प्रभुपा जी के लेक्चर आप सुने मोस्ट ऑफ द लेक्चरों में ये बात कही गई है प्रभुपा जी ग्रंथों के पन्नों पर पढ़ो ते कि मैं कौन हूं हम कौन है ये बहुत जरूरी है हम अपने को देह से आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारा जो संबंध है वह प्रकाशित नहीं हो पाएगा इन ब्रजवासियों का संबंध कृष्ण के साथ क्या है यह प्रकाशित संबंध है चाहे ये ग्वाल बाल लोग हों चाहे माता जसोदा है भगवान संबंध के अनुसार विभिन्न प्रकार का लीला करते हैं क्रीड़ा करते हैं और भगवान के क्रीड़ा को लीला कहा जाता है एक क्यों करते हैं क्रीड़ा मैं इंग्लिश क्लास दे रहा था बता रहा था कि जैसे कभी कभी हम लोग स्नान करते हैं और कान में पानी चला जाता है एक्सपीरियंस है आप लोगों को कभी गया है ना नदी तला में स्नान करो तो दर्द करने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं फिर थोड़ा पानी डालते हैं और ऐसे करेंगे तो फिर पानी निकल जाएगा तो दर्द दूर हो जाएगा वैसे ही इस संसार में हम लोग आए हुए हैं और भोग भोगने का जो इच्छा है वो अब पानी है कान में अटक गया है हम भोगने की इच्छा है और भोगने की इच्छा जो है वह दुख का कारण है कृष्ण भूलिया से जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसारे दुख कृष्ण को भूल करके संसार को भोगने की जो इच्छा है वह दुख का कारण है क्योंकि संसार में भोग है ही नहीं संसार में तो केवल रोग है भोग नहीं है रोग है और रोग रोगी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है किसी प्रकार का रोग हो छोटा रोग हो चाहे बड़ा भले ही पेट में ही रोग हो गया है खाना पचाना ही हुआ है छोटा ही रोग है लेकिन रोग है कॉन्स्टिपेशन हो गया है वो रोग है हिडक हो गया है साइनस हो गया कुछ भी है रोग है तो रोग से व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है तो यजा संसार जो है यहां पर हम चाहते हैं भोगना लेकिन हम रोगी होते जा रहे हैं पर दुख ही दुख भगवान का दुखाल है हम सातम लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम लोग सुखी रहें हम उनके अंश हैं इसलिए भगवान स्वयं आते हैं भक्तों के भेजते हैं वेद पुराणों का रचना किए किसके लिए हम लोगों के लिए टू तो अस बाइक होम बाइक टू गॉड हेड वो पा ये सब पानी डालने का काम करता है ताकि वो दर्द दूर हो जाए तो भगवान आकर के विभिन्न प्रकार का लीला करते हैं क्या पड़ा हुआ है भगवान को मिट्टी खाने का क्या दरिद्र नारायण थोड़े भगवान हैं भगवान को खाने कमी थोड़े है भगवान तो माखन मिश्री खाने वाले हैं उनको मिट्टी खाने क्या पड़ा है लेकिन वो लीला करते हैं यदि वो, वो लीला नहीं किए होते तो आज हम थोड़े यहां बैठ करके सुनते हैं हम लोगों के लिए वो लीला करते हैं ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि हम लोगों के लिए लीला करते हैं जब भगवान रास डांस कर रहे थे तो उस समय सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न किए अरे भगवान तो आते हैं यहां पर इस संसार में धर्म का न्यू रखने के लिए धर्म स्थापित करने के लिए परित्राणा साधुनाम विनाशाय चतुष्कताम धर्म संस्थापनार्थाय था असंभव आमिजगे धर्म का स्थापना करने भगवान आते हैं तो ऐसा लड़की बाजी करना ठीक नहीं है ना ये तो अधर्म है तो मध्य रात्रि में गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं ये तो लोग ऐसा ही करना शुरू कर देंगे ये तो अधर्म है तो इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देह आस्तम भजते तादृशी क्रीड़ा यह शुवा तत्परो भगवान आते हैं किसके लिए अनुग्रहाय भूतानाम हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए मानुषम देह आस्त एक मनुष्य का देह धारण करते हैं भगवान क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं मनुष्य देह से और मनुष्य देह धारण कर करके मानवीय कार्य करते हैं भयते तादृश क्रीड़ा वैसा ही क्रीणा करते हैं जैसे हम लोग करते हैं तादृश क्रीणा लेकिन वह जो किड़ा है वह ऑर्डिनरी नहीं है जन्म कर्म चमी दिव्यम ये दिव्य है किरणा श्रुतवा तत्परो हवेद। जिसको सुनने से भगवान से संबंध स्थापित हो जाए जिसको सुनने से भौरोग का क्षय हो जाए जो संसार में दुख है उस दुख से हम परे हो जाए परीक्षित महाराज यही कथा सुन रहे थे और जब सुखदेव जी ने कहा कि खा पी लीजिए प्यास लगा होगा थक गए होंगे कहे कि नहीं मुझे आनंद मिल रहा है तो हरी कथा नाम ये आनंद के लिए केवल आनंद कंद तो हम लोगों को हरिश इसी में लगे रहना चाहिए भगवान का दर्शन करने में भगवान का नाम लेने में भगवान का कीर्तन करने में भगवान के नाम का कथा सुनने में मंगला आरती आने में क्लास गुरु पूजा ये जो वैद्य भक्ति प्रभुपा जी दिए हैं इसे आनंद की वृद्धि होती है इस हम लोगों को करना चाहिए तो भगवान विभिन्न प्रकार का लीला किए हैं अपने वयस के अनुसार ये जो लीला है करीब तीन साल के तीन चार के बीच की लीला है पांच साल से पहले की लीला है क्योंकि जो पहला श्लोक शुरू हो रहा है एकदा गृहमाणामते राम गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान नवेदयन एक दिन का बात है कृष्ण विभिन्न प्रकार का लीला करते थे अब थोड़ा बड़े हो गए हैं ये छोटे बच्चे होते हैं वो आनंद के कारण होते हैं आनंद ही अनान जब छोटे होते हैं तो बाप माँ के साथ रहते हैं मोस्टली मां के साथ रहते हैं बाप के साथ भी उतना संबंध नहीं होता है इतना माँ के साथ में फिर धीरे धीरे बाप को जानते हैं भाई बहन को जानते हैं कोई अनजान व्यक्ति आ जाए छोटा बच्चा हो रोने नहीं लगता है उसे आनंद नहीं आता है तो जान पहचान वाले चाहिए तो पहले तो उस क्रीड़ा करते हैं घर में और वो क्रीड़ा अच्छा लगता है एंड एकदम वर्णन है कि भगवान जिस दिन करवट बदले थे वो अभी एक लीला है भगवान का भगवान करवट बदले थे तो अपने माँ को माँ को बच्चों का तुतली बोली भी अच्छा लगता है अच्छा काम करे तो भी खराब काम करे तो भी अच्छा लगता है अब तक से कृष्णा कृष्ण कितना खराब काम किए थे मटकी तोड़ देना गाय का बछड़ा खोल देना चिट्ठी काटना अपने मित्रों को परेशान करना क्या क्या नहीं किए थे और गोपियां आकर कंप्लेन करती थी लेकिन यशोदा मैं हंस कर चुप जाती थी कुछ करती नहीं थी लेकिन आज ये सीरियस बात हो गया है एकदा गृहमाणसते अब यह दिन था जब कृष्ण चौकट ला कर बाहर गए थे चौकट ना? पहले जमाने में घर में चौकट हुआ करता था आजकल सब सभ्यता बदल गई है ना आजकल चौकट नहीं है पहले जमाने में कोई फटा कपड़ा पहनता था कहते ऐसा कंगाल है कुछ नहीं है आजकल फटा पहनते हैं कहते बहुत महंगा कपड़ा है जानते हो ना पहले लोग दुबले पतले थे एक घर में खाने के लिए नहीं बेटा दुबला है मोटा था, था हाँ ये ठीक है आजकल मोटे लोग पर था नहीं उल्टा हो गया सब कुछ है। उल्टा हो गया है तो पहले चौकट हुआ करता था घर में वो लक्ष्मण रेखा था कहता था स्त्रियां जब विवाह हो जाए तो घर में आते चौकट नहीं लांगती कल उस सौ जाता है मरने के बाद तो चौकट होता था मंदिरों में भी होता था बड़ा स्पेशियस है तो कृष्ण चौकट प्रथम दिने लांगे हुए हैं और ग्वाल बालों के साथ में कहां पर गए हैं किनके साथ गए हैं राम राम मतलब बलराम जी प्रथम संबंध आदि में कौन है गोपदारका गोप मतलब ग्वाल बाल और द्वारका मतलब द्वार वाले द्वार हमारा घर है उसके बगल वाला को द्वार कहते हैं तो द्वारका मतलब नेबर अंग्रेजी में कहते हैं तो हमारे द्वार वाले अब ये ग्वाल बाल लोग कौन हैं ये द्वार द्वारका जो लोग हैं ये हैं कौन ये कौन लोग हैं ऐसा नहीं कि हिंदू है मुस्लिम है क्रिश्चियन ऐसा नहीं है पहले जमाने में सब साथ में रहते थे तो मान लो नंद बाबा पांच भाई थे तो नंद बाबा बीच वाले थे और उपनंद सुनंद अभिनंद नन्द और नंदन तो मान लीजिए कि नंद बाबा यहाँ का उनका घर और दो भाईयों का घर इधर और दो भाइयों का घर इधर यानी घर वाले सब बालक थे और उनके मुखिया थे सबसे बड़े बलराम जी थे इसीलिए रामाद्य गोपदारका ये लोग थे कृष्णों मृदम भक्षितवान इति अब ग्वाल बाल लोग आए और आ करके मात्रे निवेदय जशोदा माता से कंप्लेन किए क्या किए कि कृष्ण ने आज मिट्टी खाई है ग्वाल बाल लोग कंफर्म किए कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है प्रश्न उठता है कि ग्वाल बाल लोग नंद बाबा के पास जाकर क्यों नहीं बोले जो सुधा मैया के पास क्यों आए बोलने के लिए मात्रे नवेदयन माता के पास आकर निवेदित किए माता को क्यों बोले इसलिए कि पांच साल तक जो बच्चे होते हैं वो माता के उनकी शिक्षक माता होती है सात महीने से लेकर के पांच साल तक बच्चों के शिक्षा देने का जो काम होता है वो माता का होता है पांच साल के बाद मां को बेटों को कभी शिक्षा नहीं देनी चाहिए तो बिगाड़ देगी बच्चों को मां को बेटों से संबंध ज्यादा होता है और बाप को बेटियों से संबंध ज्यादा होता है तो पांच साल तक मां शिक्षा दे सकती है पांच साल के बाद कौमार आचरित प्राग्नो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपिव अर्थधम पांच साल के बाद स्कूल में जाओ पढ़ो शिक्षा तो इसीलिए मातृ निवेदन माता के पास जाकर निवेद के निवेदन क्योंकि माता के अंतर्गत कृष्ण थे जीरोन था माता का उनके ऊपर तो उन्होंने कहा कि माता इन्होंने मिट्टी खाई है और मैया यह सुनकर के पहले जो भी बात सुनी मैया कभी गुस्सा नहीं की लेकिन यहाँ पर हितैषणी कहा गया है उनकी इच्छा जो थी माता की इच्छा जो थी प्रद इच्छा थी कि कृष्ण को कुछ हो ना जाए इसलिए माता थोड़ा सीरियस हो गई पहले बहुत कंप्लेन आया इस प्रकार का लेकिन मैया कभी सीरियस नहीं हुई ये प्रथम बार है कि मैया सीरियस हो गई और कृष्ण का बाह पकड़ ली क्योंकि वहाँ कमोशन हो रहा था जब ग्वाल बाल लोग आए तो पता होना चाहिए जो बच्चे होते हैं अपने गलती को छिपाते हैं और दूसरों का गलती होगा तो चढ़ा बढ़ा कर बोलेंगे यही करेंगे ना बच्चों का स्वभाव है तो बच्चे लोग कृष्ण मिट्टी खाया मैया कृष्ण कोई वो दूर से बोल रहा मैया कृष्ण मिट्टी खाया मैया कृष्ण अब जितने बगल के गोपियाँ थी वो सब देखने आ गई तो एक वहां पर जमाड़ हो गया है एक कमोशन हो गया तो मैया सोची कि कृष्ण डर जाएगा और भाग जाएगा या तो मैया कृष्ण का हाथ पकड़ी सागृत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषणी करे कृष्ण अपने हाथ से कृष्ण का हाथ पकड़ी और मैया जशोदा उनसे कह रही है यहाँ पर शब्द आया हुआ है भय सम्भ्रांत प्रेक्षणाम भाषत मैया देखिए उनके आंख में गुस्सा था लेकिन चेहरे पर गुस्सा नहीं था मैया नहीं चाहती कृष्ण भयभीत भी हो जाए लेकिन साथ साथ तो भय भी दिखा रही थी ये कभी होता है ना कि बाहर से देखाओ कि गुस्सा है लेकिन अंदर आनंद है तो कृष्ण देख रहे थे कि मैया मुस्कुरा भी रही है लेकिन साथ साथ गुस्सा भी दिखा रही है पकड़ करके डांट रही है और पूछ रही है कभी कस्मात मृदम अदंतात्मन हे अदंतात्मन हे चंचल हे नटखट के सरदार क्या तूने मिट्टी खाया है तूने मिट्टी खाया है तो स्वाभाविक है जो बच्चे होते हैं गलती करेंगे तो अपनी गलती करेंगे तो सीधे बोलेंगे ना और दूसरा गलती किया है तो बोलेंगे हां और बच्चे की बात को सत्य कोर्ट भी मानता है कोर्ट भी मानता जज भी मानता है कि बच्चा छोड़े झूठ बोलेगा अपने लिए झूठ बोल सकता है दूसरों के लिए झूठ नहीं बोलेगा तो कृष्ण से मैया पूछ रही है तूने मिट्टी खाया है, है? कहा कि अदांत आम अदांत आत्मन हे चंचलों के सरदार तुम्हारे ग्वाल बाल मित्र लोग कह रहे हैं कि तू अकेला में रह करके अकेला छिप करके मिट्टी खाया है अकेला में छिप करके मिट्टी खाया है जैसे वकील होते हैं ना तो वकीलों को एक पॉइंट चाहिए मैं बहुत पहले एक फिल्म देखा था सही बोलता हूँ झूठ नहीं बोलता हूँ उस फिल्म का नाम था कर्म अच्छा पहले के सेवेंटीज के फिल्म अच्छे होते थे आजकल फिल्म थोड़ा खराब हो गए तो उसमें एक बात बताया गया था कि एक स्त्री गोली मारी थी अपने को इधर उसका और लेकिन वो लेफ्टी थी तो मरी हुई थी तो उसके हाथ के लेफ्ट हाथ में पिस्टल था लेकिन गोली लगा था राइट साइड में तो हाई कोर्ट ने केस को बंद कर दिया कि केस बंद कर दिया कि ये जो है ये आत्महत्या का केस है क्योंकि उसके पति पत्नी का जमता नहीं था बड़ा परिवार था बड़े घर की लड़की थी तो इसने आत्महत्या कर लिया है केस खत्म हो गया लेकिन एक वकील था मैं हीरो का नाम नहीं बताऊंगा <laughs> तो वकील था उसने कहा कि नहीं ये मर्डर का केस है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां पर कैसे जो सुप्रीम कोर्ट का वकील था वहां कहा कि नहीं है, हाई कोर्ट ने रूल आउट कर दिया नो क्वेश्चन ये खत्म बंद करो ये केस नहीं है तो ये वकील बोलता है नहीं इसमें एक पॉइंट है आपको देखना पड़ेगा ये जो लड़की है वो लेफ्टी है और गोली कहां लगा हुआ है राइट में लगा हुआ है तो यदि लेफ्टी है तो लेफ्ट में गोली मारेगी ना ये थोड़े घुमा करके मारेगी ऐसे मारेगी नहीं मारेगी इसका मतलब किसी ने मर्डर किया है एक पॉइंट मिला बस। मैं ये बात क्यों कहा कि कृष्ण यहां वकालत कर रहे हैं वो क्या पॉइंट है मैया कह रही कहते हैं कस्माद मृदम आत्मन भवान भक्सितवान रह तो एकांत में खाया है तो कृष्ण को पॉइंट मिल गया है। तो मैं एकांत में खाया हूं तो देख कैसे लिए जब मैं एकांत में खाया हूं तो देख कैसे लिए लोग अब कृष्ण को तो मिल गया पॉइंट ऑफ कोर्स आचार्य लोग भ्रमण किए हैं कि कृष्ण मिट्टी खाए थे भी या नहीं खाए थे आप लोग क्या सोचते हो चलो कोट कोटघरी कर रहे यहीं पर कृष्ण मिट्टी खाए भी कि नहीं खाए थे चलिए आगे बढ़ेंगे तो बदंती तावका हेते नाउ माता जसोदा यहां पर कहती है कि ये लोग कोई सामान्य लोग नहीं है कौन है बदंती बोलते हैं कौन तावका तावका मतलब जिसको तू अपना मानते हो ये तुम्हारे हैं हैंका नहीं होता है कृष्ण जिसको स्वीकार करे वो तावका होता है माता कुंती अपने प्रार्थना में कहती है श्रुवंति गायंत गृणंत अभिक्ष स स्मरती तवेहितं तवेहित जना सए पश्यचिण तावक भव परमं परम पदाबुज सए पश्य अचिरेण तावक उत्तावक हो उत होना हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हम लोगों को तावक होना चाहिए तावक मतलब कृष्ण जी से स्वीकार कर लें हम लोग कुछ ऐसा करें इसे कृष्ण हमें स्वीकार करें और कृष्ण कब स्वीकार करते हैं हम लोगों को श्रम थी गायन थी जब मंगलारती आओ तो कृष्ण स्वीकार करते हैं ठीक है ना जब भागवत प्रवचन सरो कृष्ण स्वीकार करते हैं जब उनका नाम लो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 तो कृष्ण स्वीकार करते हैं ये सब तरीका है जिसे कृष्ण स्वीकार करते हैं जसुदा कहती है बदंती तावका ही एते, ही मतलब निश्चय ही इसमें कोई दो राय नहीं है ये झूठ नहीं बोल रहे हैं पहला नंबर ये तुम्हारे हैं तूने स्वीकार किया है।, है और कुमारो ये कुमार हैं पांच साल तक के हैं तो झूठ नहीं, बोलें, नहीं बोलेंगे कुमार लोग झूठ नहीं बोलेंगे कुमारो तो मैं तो कृष्ण कहते अरे मैया इनके बाद मत सुन बदमाश लोग हैं भाड़े के टट्टू लोग हैं ऐसे ही बोलते रहते हैं तो मैया कहती है अरे ठीक है ये झूठ बोलते हैं लेकिन अग्रजो अपी अयम तुम्हारे अग्रज दाऊ जी भी बोल रहे हैं अब जेव ही दाऊ जी का नाम कृष्ण सुने उन्हें बहुत गुस्सा आया दाऊ जी सब पर किसी प्रकार से कृष्ण बड़े दुखी थे किसी कारण से सूर्यदास एक बहुत सुंदर भजन गाए हैं और उस भजन में दाऊ जी के विषय में गुणानुवाद किए हैं इसी प्रसंग को लेकर के सूर्यदास कहते हैं मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो मैया दाऊ जी का बात कह रही हो सुनो दाऊजी और क्या कहते हैं आज तो कहते हैं कि मिट्टी खाया हूं ना अब तुम फैसला करो तुम फैसला करो दाऊ जी कहते हैं जब हम लोग खेलने जाते हैं मोसो कह तो मोल को लीनो जसुमती कब जायो दाऊ जी कहते हैं ग्वाल बालों के साथ में जो शोर है उनको जगा दीजिए माधो हरी प्रभु आपके पीछे वाले प्रसाद अभी बाकी है तो कहते हैं कि तुमको तो लोग खरीदे हैं यशोदा मैया तुमको जन्म कब दी तुम्हें खरीदे हैं मैया और क्या बात बताऊं ऐसे ऐसे बहुत कुछ बात कहते हैं सभी गोल बालों के सामने मेरा इंसल्ट करते हैं पूछते हैं बताओ तुम्हारी बाप कौन है तुम्हारी माँ कौन है और जब मैं कहता हूं कि नंद बाबा मेरे बाबा हैं और यशोदा मेरी मैया है तो कदच झूठ बोलता है तू गोरे नंद जशोदा गोरी तो शरीर अरे नंद बाबा गोरे हैं जैसे मैया गोरी है तो काला का कैसे हो गया है उनका बेटा कैसे हो गया और सब ग्वाल वालों ताली बजाते हैं और उनको शिक्षा देने वाले दाऊ जी हैं दाऊ जी की बात कर रही हो ना ये शिक्षा देने वाले दाऊ जी हैं मैया आप केवल मुझको ही मारना सीखिए हो आप मुझको ही डांटती रहती हो लगता है दाऊ जी ठीक कहते हैं मैं आपका बेटा नहीं हूं ना इसलिए आप मुझे मारती हो डांटती हो दाऊ जी को कभी आप डांटती नहीं हो मुझे डांटती रहती हो जब इस प्रकार से कृष्ण कह कर के मानु तो मैया ने जब कृष्ण के स्वरूप को देखा कि कृष्ण रो रहे हैं और मैया के हृदय में भी प्यार तो आया ही लेकिन बहुत दुख हुआ कि जब यदि सही बात है कि दाऊ जी कह रहे हैं कि गोरे नंद जसोदा गोरी तो काम शरीर तुम तो मोल लिया गया है तुम जो नंद बाबा का पुत्र नहीं है तब मैया कृष्ण से कहती मैं बलभद्र का कसम खाती हूँ कि हे कृष्ण मैं माता मैं गो माता का कसम खाकर कहती हूँ कि मैं माता तो पुत्र मैं तुम्हारी माता हूं और तुम मेरे पुत्र हो तो दाऊ दाऊजी आए थे कोर्ट में गवाही देने के लिए गवाही गया काम से कृष्ण खत्म कर दिए अब कृष्ण स्वयं डाल दिए मैया के सामने आप निर्णय करो मैं आपका बेटा हूं कि नहीं मिट्टी खाना दूर रहने दो अभी आपका बेटा मैं हूं कि नहीं निर्णय करो मैया को कसम खाना पड़ा है वैसे ही यह किसी ऐसे विभिन्न प्रकार के लीलाएं हैं और भक्त लोग विभिन्न प्रकार से इस लीला का गान किए हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए वाला वही भी है मैया मोरी मैंने ही माखन खाए मैया ने स्वीकार कर लिया हाँ तो माखन नहीं खाया है बाद में कृष्ण मैं खाया हूँ एनी anyway, तो इस प्रकार से जब मैया ने कहा तो अब कृष्ण पकड़े गए थे मिट्टी खाए थे अब आगे का जो श्लोक है वो समय बीतते जा रहा है श्लोक संख्या पैंतीस कहते ना हम भक्षितवान अंबा सर्वे मिथ्या कृष्ण सीधे नकार दिए बालकों का स्वभाव है जब कुछ गलती करते हैं तो सीधे कहते हैं नहीं कृष्ण अपना पक्ष रख रहे हैं ना अहम भक्षितवान अम्बे आचार्य गण वर्ण किए हैं कि यहां पर कि कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं नहीं खाया हूं मिट्टी मेरा मुंह मिट्टी खाया है <laughs> ना हम भक्षितवान अम्बे मैं नहीं खाया हूं मुंह खाया दंड मुंह को दो मुझे दो। हाँ, एक तो अर्थ यह हुआ और दूसरा मैं अकेला में खाया था ये लोग देखे नहीं झूठ तो बोल रहे हैं हाँ। ना हम भक्सितवान अम्बे तो मैया का तब ये सब क्या झूठ बोल रहे हैं क्या का? अरे मत पूछो इन लोगों को सर्वे मिथ्या सब के सब झूठ बोलते हैं सब झूठे हैं तो मैया कहती है कि नहीं मैं नहीं मानती हूं जी भी कहते हैं झूठ कैसे बोल सकते हैं तो ठीक है यदि आपको विश्वास नहीं है यदि सत्यम गिरो तो रही भगवान कहते हैं मैया मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं मैं जो बोलता हूं सत्य ही बोलता हूं यदि झूठ भी होगा और मेरे मुंह से आ जाएगा सत्य हो जाएगा भगवान सत्य है ना सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यात्म जोनि निहितम सत्य भगवान सत्य पुरुष है सत्यम परम धीम ही सब कुछ उनसे सत्य निकला हुआ है यदि सत्यम गिरम तरह मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है लेकिन एक सेकंड के लिए आप इनके बात को मान लो कि यही सत्य लोग बोल रहे हैं तो हाथ कंगन को आरसी क्या आप स्वयं देख लो कि मैं मिट्टी खाया हूं कि नहीं भगवान अपने तरफ से एक कहते हैं ना कि अपना सफाई देने का एक तरीका होता है सीखना चाहिए कृष्ण से सफाई देने का मिट्टी खाए हैं ऐसा बात नहीं कर मिट्टी खाए हैं अब सफाई पेश कर रहे हैं पहले तो शब्द के द्वारा सफाई पेश किए कि मैंने मिट्टी नहीं खाया है वो झूठ बोल रहे हैं ऐसे ही मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं और मैं अब कहते हैं सत्य यदि मानती ही हूं इनके बात को तो हाथ कंगन को आरसी क्या है यदि हाथ में कंगन लगा हुआ है तो मिरर की जरूरत क्या पड़ेगी यदि आप मान ही गई हो कि मैं मिट्टी खाया हूं मैं कहता हूं नहीं खाया हूं तो देख लो भगवान जा रहे हैं मैया के मुंह शम मतलब के सामने मुंह कर गए समक्षम सम अक्ष अक्ष मतलब आंख मैया के आंख के सामने अपना मुंह भगवान कर गए और कहते हैं तो पहले तो बाणी के द्वारा अप्रमाणित करना चाहते हैं पश्चिमी समय हम देख लो आप ही देख लो अभी तक वाशल्य है माधुर्य अभी तक नहीं आया सॉरी अभी तक माधुर्य है ईश्वर्य नहीं आया हुआ है अब आगे भगवान को मैया धमका रही है कि बदमाश कहेंगे तो चैलेंज कर रहा है चोरी और चोरी दोनों काम कर रहा है एक तो मिट्टी खाया है और सफाई दे रहा है, है? कि मैं मिट्टी नहीं खाया हूं यदि एवं तरही व्याध्यम ब्यादे ही इतिम स भगवान हरि अब मैया जब देखने का इच्छा की कि मैं देखना चाहती हूं ठीक है दिखा रहा है ना मैं देखूंगी तुम्हारे मुंह में इस स भगवान हरि अब यहां पर ईश्वर प्रकट हो रहा है भगवान सर ईश्वर परिपूर्ण भगवान स ए स भगवान हरि इति उत्तम मैया गए अब मुंह देखने गए ही मैया मुख देखने गई उस समय भगवान और हरि यहां पर भगवान और हरि दो शब्द आया हुआ है हरि मतलब जिन्होंने वात्सल्य भाव को हर लिया और भगवान मतलब जिन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकट कर दिया तभी भगवान हरि और भैया अब मैया देखी भगवान के मुंह में और क्या क्या देखी ये सब यहाँ पर कर दिया गया इसमें कोई ज्यादा तात्पर्य तो नहीं है मैया ने क्या देखा जब कृष्ण ने माता जसता के आदेश से अपना मुंह खोला तो उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर सभी चर अचर प्राणी बाह्य आकाश विदिशाएं पर्वत द्वीप समूह समुद्र पृथ्वी तल बहती हवा अग्नि चंद्रमाता तारे देखे उन्होंने ग्रह जल प्रकाश वायु आकाश अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी उन्होंने इंद्रिय मन तन मात्राएं तीनों गुण, सतोर, रजो, तमो भी देखे उन्होंने उन्होंने जीवों की आयु, प्राकृतिक स्वभाव देखे, इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे विराट जगत के इस विविध पक्षों के साथ ही स्वयं को ता वृंदावन धाम को देखकर वे अपने पुत्र के स्वभाव से संकित भयभीत हो उठी तो ये सब चीजें यशोदा ने कृष्ण के मुख में देखा ए रहा कृष्ण का ईश्वर उसके बाद मैया बेहोश हो गई कि मैं क्या देख रही हूं कहीं दुसपना देख रही हूं कि क्या देख रही हूं उसके बाद ये तो मोमेंटरली आया था क्योंकि शंका हो गया था और बाद में पुनः कृष्ण की माधुरी मई लीला प्रकाशित हुई ईश्वर खत्म हो गया धन्यवाद हरे कृष्ण कोई प्रश्न क्वेश्चन कमेंट किसी को प्रश्न है सबको भूख लगाया चलो कोई बात नहीं धन्यवाद हरे कृष्ण and you, you're going to leave this world, it's best to chant Hare Krishna in the association of devotees. Because if you and I try and fast, we might fast for like maybe seven hours, we could be gone. Yeah? Half a day fast sometimes can be a challenge, right? Janmashtami is like a real challenge. Right?